ये आप देख सकते हो अपने बस्तर में इस प्रकार पेज बनाया जाता है हंडी में, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको हंडी बोलते हैं। कितना साल हो गया लगभग बन के? 100 साल हो गया। 100 साल हो गया नहीं? ब्लॉग चैनल SBN07 में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे में घर है, ये लगभग 100 साल पुराना घर है भाई। ये आज भी जस का तस खड़ा है, सिर्फ मिट्टी से बना है, कच्चा मिट्टी से। तो गाइस वो दिखाते हैं, गाइस दिखाते हैं आप लोगों को सबसे पुराना घर, लगभग 100 साल पुराना है। अंदर चल के दिखाते हैं गाइस। ये आप देख सकते हो अभी न्यू न्यू इधर सीट लगा हुआ है गाइस। ये आप देख सकते हो दीवार को देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि ये इतना पुराना घर है। देख सकते हो इसको टाइम टाइम में पेंट और कलर किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ इस प्रकार से दीवार दिखता है गाइस। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है घर, देख सकते हो इधर। और इधर किनारे में है दीवार के पीछे में ये बड़ा सा लकड़ी काट के लगाया गया है जिसमें ध्यान रखने का काम किया जाता है। अपने बस्तर में इस प्रकार पेज बनाया जाता है हंडी में, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको हंडी बोलते हैं। अपनी गोंडी भाषा में इसको कुंडा बोला जाता है। देखिए पेज चावल चावल डाल दी। इसमें क्या क्या मिला के बनाए हो? थोड़ा दाल आए, दाल आए तो दाल दाल आयो। थोड़ा दिखाएंगे ना चावल को? ठीक है, पूरी पूरी बड़ा दाल आलू अदरक। ये आप देख सकते हो पानी और चावल से मिलाया गया है इसको, मिला अपने गोंडी भाषा में इसको जावा बोलते हैं। जावा बोलते हैं। इसको पीने से बढ़िया लगता है, जैसे कि हम लोग चाय वाय पीते हैं ना, उसी प्रकार घर का एरिया इस प्रकार दिखता है। ये घर बाद में बना हुआ है इधर ने? ये बाद वाला ना? बाद वाला है, बाद वाला हम लोग बनाए। ये वाला पुराना घर है इधर। ये आप देख सकते हो गेट भी इतना मजबूत है। ये गेट कब लगाए थे भैया? वो ये घर बना है ना उसी समय का, उसी समय का गेट। थोड़ा अंदर दिखाएंगे, रुको रुको गाइस। ये आप देख सकते हो अभी अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर कितना रूम का बना हुआ है। थोड़ा अंधेरा लग रहा है, आप लोग टॉर्च दिखाते हैं भाई। ये देख सकते हो पूरा अंधेरा हुआ है, लेकिन घर एकदम मजबूत है, ऐसा लग रहा है पूरा सीमेंट ईंट से बना हुआ है। देख सकते हो इधर, ये देख सकते हो इधर पूरा अंधेरा है भैया, उतना दिखा नहीं पा रहे हैं। लगभग 6 रूम का बना हुआ है अभी घर। ये ऊपर का हिस्सा है पूरा कपड़ा से बना हुआ है, यहाँ खूब चमगादड़ बने भाई, ये देख सकते हो। और इधर दान रखने के लिए ये बनाया गया है इसमें, ये देख सकते हो। अगर लाइट होने से दिखता अक्सर गांव में इसी प्रकार से घर बनाए जाते हैं भाई। गाइस आप लोगों को यहाँ के घर का मुखिया से मिलाते हैं, उनका नाम जानते हैं पहले। भैया आपका नाम क्या है? कोसाराम मंडा। कोसाराम मंडा, मंडा मंडा भी बोलने से माड़वी ने, माड़वी है कोसाराम माड़वी, माड़वी। आपका नाम क्या है? बुद्रा। बुद्रा पुरान बुद्रा मरकाम, बुद्रा मरकाम। ये जो घर बना है कब बना है? तो कम से कम 100 साल हो गया यार। मैं माँ बाप खत्म होने से मैं उसको नहीं जानता हूँ, उन्हीं लोग बनाया ऐसा। हाँ। ये अभी का बना हुआ नहीं है? नहीं, नहीं है ऐसा। हाँ। अभी भी आप यहाँ पर रह रहे हो? मैं तो वहाँ पीछे पीछे तो मैं यहाँ घर में आए भाई। ऐसा? हाँ अच्छा अच्छा। साफ उप रखने से तो बढ़िया। साफ तो कर रहा हूँ छोटा ऐसा, लेकिन मिट्टी वाला है, पूरा मिट्टी का घर है ना? मिट्टी का घर है। मिट्टी को कैसे करके बनाए? वो तो अपना पीसस करके वहाँ डाल दिए भाई। ऐसा? हाँ ऐसा। बहुत बढ़िया ने। हाँ ए, सीट टूट कब लगाए हो अभी? सीट तो पीछे लगाए हम लोग। कितना दिन हो रहा है? सीट लगा के कम से कम 10 साल हो रहा है सीट लगा के। और तो घर तो पहले वाला है। घर कितना साल हो गया लगभग बन के? 100 साल हो गया। 100 साल हो गया ने? 100 साल हो गया। इसमें क्या बोलते हैं ये खांडा उंडा पहले से लगाए या भी आप लगाए? नहीं उन्हीं लोग लगाए जो पहले आप लोगों के बाप दादा लोग। दादा लोग। आप लोग कितने भाई थे? हम लोग कितना आए थे हम लोग? वो भी पूरा तो खत्म हो गया भाई। ऐसा? अभी आप अकेले हो ने? हाँ मैं अकेला। आपके कितने बच्चे हैं अभी? बच्चा लोग
तीन आए अभी बच्चा लोग आपके साथ? हाँ, आम का पास तीन तीन आए बच्चा लोग। ये घर को फिर अभी तोड़ोगे कि ऐसी रहेगा? नहीं तोड़ूंगा हम। तोड़ोगे? हाँ तोड़ूंगा हम। तोड़ के इसको फिर से बनाओगे? हाँ फिर बनाऊंगा। फिर भी तोड़ने का जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फिर क्यों तोड़ोगे इसको? छोड़ूंगा भाई, यहाँ कैसे रहेगा? पुराना घर है ना, कैसे यहाँ रखेंगे ने? हाँ, इसको तोड़ के फिर और बनाएंगे। फिर इस जगह पे दूसरा घर बनाएंगे? हाँ दूसरा घर बनाएंगे। अच्छा चलो बढ़िया कोसा दादा, इतना बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद गाइस, आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत सा गांव। इधर जाने का रोड है, तुंगफल जाने का इधर गांव के अंदर आया हुआ रोड है। इधर आप देख सकते हो घर बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है ना, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, नछड़ का, सिर्फ कच्चा मिट्टी से बना है घर। बहुत ही खूबसूरत घर है, इसको रोज देख रेख करने की वजह से ये घर आज भी जस का तस बना हुआ है पहले जैसा। तो गाइस आप अंदाज़ा लगा सकते हो मिट्टी से बना घर भी कितना खूबसूरत रहता है। गांव में इसी प्रकार से आप लोगों को सब ज़्यादातर मिट्टी के घर देखने को मिल सकते हैं। गाइस वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना।